अरे ये सेटिंग अच्छा। इस फिल्म में मैं माँ का रोल कर रही हूँ।
हीरो की माँ हूँ। माँ का किरदार किस तरह का है, किस तरह का बेटा है आपका, क्या बताएंगे? माँ का रोल तो मतलब मेन तो माँ ही है, जैसे गंगा के लाल काशी विश्वनाथ, दो बेटों की कहानी है। एक मेरा रियल बेटा होता है और एक मैं गोद ली होती हूँ किसी और का बेटा होता है। तो जाहिर सी बात है कि फिर वो कहीं से मैं उसको लाई हूँ तो उसके प्रति मेरा ज़्यादा ये रहता है कि किसी तरह से मैं उसको कमी नहीं होने दूँ किसी चीज़ का। और अपना बेटा होता है तो वो मेरा अपना है, इसलिए मैं उससे दिखावा नहीं कर पाती हूँ कि तो वो सोचता है कि माँ मुझे प्यार नहीं करती, उसको प्यार करती, लेकिन प्यार दोनों में है। तो इस तरह से माँ पीसती रहती है पूरी फिल्म में। छोटा बोलता है तू मुझे प्यार नहीं करती है, और बड़ा के प्रति ज़्यादा, बड़ा है जो समझदार है, छोटा है जो शहर में पढ़ा लिखा है, थोड़ा सा ना समझ है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो भी समझदार हो जाता है। और फिल्म की स्टोरी बोर्ड क्या है, क्या फिल्म होगी, क्या किस तरह का मैसेज जाएगा? ये मैसेज यही जाएगा कि माँ तो माँ होती है, कोई दो आँख नहीं है कि ये मेरा अपना है ये पराया है। और बड़ा बेटा को इसलिए भी प्यार करती है कि उसका नौकरानी का बेटा है, उसने अपना जान दे दी है मेरे पति को बचाते हुए। तो एक इंसानियत के नाते भी वो फर्ज बनता है उसका कि कहीं उसका इंसानियत तो खो ना जाए, इसलिए वो बड़े से ज़्यादा लगाव रखती है। और छोटा को लगता है कि मुझे प्यार नहीं करती, लेकिन वो प्यार करती है। इस तरह से पूरी फिल्म में इसी तरह से कहानी जाता है। लास्ट में बड़ा बेटा अपना जान भी दे देता है। और बहुत खूबसूरत फिल्म है, कहानी इसकी बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि ये मेरी लाइफ की सबसे अच्छी कहानी है, गंगा के लाल काशी विश्वनाथ। इसके अलावा कौन कौन सी फिल्म? मेरी फिल्म अभी एक आ रही है लाडला, शायद इसके साथ ही वो भी रिलीज हो, खेसारी जी हैं। और काफ़ी सारी फिल्म, 100 से ऊपर फिल्में हैं मेरी तो आ रही है। सबसे पहले तो हम जितने भोजपुरिया टेक्नीशियन, चाहे भोजपुरिया भाई लोग, चाहे जितने भी हमारे दर्शक हैं, सबको प्रणाम है हमारा। हाँ, देखिए भोजपुरी फिल्म बता, भोजपुरी में बोला ज़्यादा अच्छा लगी, हिंदी तो सब लोग हर जगह बतियाले जाला। ये वैसन फिल्म बा, इसमें कई गो संदेश मिला था समाज में कि बेटा तो बेटा होला, चाहे अपना कोख से पैदा भयल होके, चाहे केहू के बचपन में माई पाल ले हो, प्यार उतने होखला। दूसरका बा कि नौकर मालिक के बलिदान, आई सामाजिक फिल्म बा, परिवार के साथे देखे वाला में कौनो वल्गरिटी कहीं से नहीं है। इसमें एगो दर्द बा कि जौना बच्चा के माई बचपन से पलले बाड़ी, उनका घर के नौकर रहे, मर गए तो उनका बच्चा के पलली, कभी ना लोग के जाने दिली कि हमर बेटा ना हो। लेकिन एगो मोड़ ऐसा आएल कि पता लागल जी हम इनकर बेटा ना है, कि वो दूसरा के बेटा है। तो बड़ा दुख भेल बा ये बात के जान के, कि आज तक काहे छुपैलू ये बात के, हम का कैली। वह सीन अभी चल रहा लग जौन रोग लगन देखनी है। जी हमारे किरदार एक फिल्म में बहुत पावरफुल बा, और पूरा कहानी स्टोरी हर पात्र हमारा इर्द गिर्द घूमता। बिपिन सिंह हैं, संजय पांडे हैं, जेपी सिंह हैं, माया जाधव जी माँ की भूमिका कर रही हैं, रत्नेश बरनवाल हैं, प्रकाश जैस हैं पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका में, बहुत दिग्गज कलाकार लोग हैं इसमें। आज कितने दिन की कंप्लीट हो गई फिल्म? कंप्लीट हो गई फिल्म? फिल्म में पैच वर्क बाकी था, वही पूरा हो रहा है। फिल्म पूरी कंप्लीट हो चुकी है, एक दिन का कल का और काम बाकी है, बाकी सब हो चुका है। कब तक रिलीज करने जा रहा है? देखिए छठ पूजा के ऊपर रिलीज के लिए है जी। क्या क्या तैयारी की है रिलीजिंग के लिए, किस तरह का प्रमोशन करेंगे? देखिए हमने तो सोचले बानी भोजपुरी में बोल के अपना बिहार के द्वार द्वार जाके ई बात कहेला हर माई के कि देखा एगो काशी बेटा और गंगा माई के खेल, एक बार घर से निकल के। बहुत दिन हो गए बा अपने लोगन का पारिवारिक फिल्म देखला के, तो एक बार देखी। आ सब परिवार हमनी जे फिल्म के परिवार बनी, सब गोड़ा पहुँचम सा द्वारे द्वारे आ पहुँचाएम सब लोग के संदेश। पूरा फिल्म के लेके हम दर्शक के ई कहे के चाहम कि लड़ाई झगड़ा के कोनो अंत ना होला, और जब भी इतिहास में देखम कि लड़ाई झगड़ा भयल बा ओकर अंत बुरा होला, दोनों पक्ष का रोए के पड़ला, जे जीतला ओकरो आ हारला ओकरो। लड़ाई में तो दोनों पक्ष का खो ही के बा, कुछ पावे के नहीं छे एकरा में। ऐसे लड़ाई
के बगैर जिंदगी जी आ समझौता अपने लाइफ से करके रही। और छोटा छोटा बात ला कभी भी घर द्वार छोड़ के बाप मतारी के हाथ उठावे के ना चाहिए परिवार के केहू का बच्चा का। बहुत बहुत दिनों के बाद ये मैसेज आ रहा है पारिवारिक फिल्म, लेकिन बिहार यूपी जिस परिवेश की एक पारिवारिक कहानी है वहाँ थोड़ा सा वो जो टशन का माहौल होता है ना वो भी है। भाई सेक्रीफाइस भी है कम है, प्यार भी है कम है, स्वार्थ ज़्यादा है, तो उसी के बीच में से एक स्मूथ कहानी है ये। एक्चुअली ये कहानी माँ और बेटों की है, इसमें से एक बेटा जो है उस माँ का है जो इसकी नौकरानी होती है और अपना सेक्रीफाइस कर देती है लाइफ इसकी जान बचाने के लिए, लेकिन वो प्रॉमिस करती है तेरे बेटे को मैं पालूंगी अपने बेटे की तरह, लेकिन हकीकत तो हकीकत रहती है। बड़े भाई को अब कम प्यार मिलता है और नौकर के बेटे को ज़्यादा प्यार मिलता है, क्योंकि वो धर्म और ईमान का बेटा है, अपना बेटा तो कर्म का बेटा है। अब इसी खींचातानी में फिर जो विलेन तो होते ही हैं बदमाश, चाहे वो अयोध्या हो चाहे मथुरा हो काशी हो सब जगह हैं वो भी आते हैं, और इन्हीं लोगों के बीच में ये उलझने फंसते जाती हैं, उसको सुलझाते कहानी फिर बाप और माँ की तरह बेटा अपना सेक्रीफाइस करके इनका बिखरा हुआ घर बसाता है जो होना चाहिए, इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। बाकी जो इंटरटेनमेंट ऑडियंस खोजती है, देखिए फिल्म मेकिंग इज़ नॉट ए शिक्षा गिविंग, करेक्ट है, फिल्म मेकिंग इज ए प्रॉमिस टू प्रोवाइड इंटरटेनमेंट। अगर हम अब हमारी बात है ये कि उस इंटरटेनमेंट को देने के क्रम में थोड़ा सा शिक्षा दे दे तो क्या बात है। आलू तो सभी खाते हैं, तल के भजिया बना के खाई जाए तो ज़्यादा मज़ा आता है। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, लेट अस सी। मार आजकल तो हो रहा है, आजकल ये बात हो रही है मार धाड़ न्यूडिटी, और उस हद तक की न्यूडिटी कि हस्बैंड भी अपने वाइफ को उस तरह से देखने में शायद शर्मा जाएगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इसमें कोई इसका तो मतलब है नहीं। फिर भी ये ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फिर से, एक ज़माना था गंगा मैया तो है पीरी चढ़े बो सोनवा के लागी नहीं छूटे रहा, वैसी फिल्में बनती थी लोग बहुत देखते थे, अब वो ज़माना गया। लेकिन हमारा जो कल्चर है, बच्चा पैदा हुआ तो गाना, बच्चा खाना शुरू किया तो खाना गाना, और बच्चे की शादी हो रही है जनेऊ हो रहा है ये हो रहा है वो गाना से शुरू हो रहा, कल्चर हमारा म्यूजिकल है वो हम छोड़ के बेहूदगी जो कभी गाना नहीं गाते न्यूडिटी देखते दिखाने में वो लेके आ गए हैं लोग। आई एम ट्राइंग टू कीप इट ऑन ट्रैक, एक ट्रैक पर आ जाए और फिर से हम अच्छी फिल्में बनाएं और फिर से लोग देखें, शायद कुछ शिक्षा भी ग्रहण करें। ज़माना बदल रहा है, बदल गया है, बदल के फिर से हम जमाना तो नहीं बदल सकते, एक टेस्ट बदल सकते हैं। अशोक सर, आपके स्टार आपकी कहानी के हिसाब से कितने खरे उतरे हैं आपके मद्देनजर? देखिए फिल्म में सिर्फ एक्टर ही तो नहीं होते, ये एक्टिंग करते हैं, कुछ गलतियां होती है उसको डबिंग में सुधारते हैं, उसमें भी कुछ कमियां रह गई तो बैकग्राउंड म्यूजिक से सुधारते हैं, करेक्ट है। तो यार दो साइलेंट आर्टिस्ट है, लेकिन एक न्यू कमर है मेरे लिए, न्यू कमर मेरे तो बहुत दिन हो गए, एलएसडी से है, काफ़ी ट्रेंड है स्टेज का, उसका नाम है रोशन कुमार जो काशी का रोल प्ले कर रहा है। डेफिनेटली इज़ अ वेरी गुड एक्टर, बतौर मूड से एक्टर है, बतौर द बेनिफिशियर ऑफ फिल्म है, फिल्म के बारे में भला सोचता है, फिल्म कैसे पूरा हो लोगों जो चाहिए वो सोचता है, एंड ही विल गो अप नो डाउट। दूसरी चीज़ है और लोग भी हैं लेकिन अब इम्पोर्टेंस लेने के लिए कभी कभी सीढ़ी भी खींच देते हैं लोग, तो वो हैं लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको आगे जाना है वो आगे जाएगा, जो खड्डा खोएगा दूसरे के लिए कहाँ जाएगा, है और मुझसे नाम मत बुलवाइए, लेकिन वो है और
रहेंगे। अब चैलेंज तो ये है ना कि उनको सरपास करते हुए कैसे हम ओवरकम करके आगे जाएं, वो कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग सक्सेसफुली आउट ऑफ इट। देखो ऐसा है, कभी ज़माना था कि लोग सैड म्यूजिक सुनते थे, मेलोडियस सुनते थे। मैंने इसमें जो ट्रैक रखा है उसमें बिटवीन मेलोडी एंड इंटरटेनमेंट, थोड़ा सा फास्ट ट्रैक भी है और मेलोडी भी है, कोशिश है। एक साथ तो किसी को कुनैन खिलाया नहीं जा सकता ना, करेला ना, इन करेले को भूंज के तल के भरुआ भर के बना के खिलाया जा सकता है, तो वो धीरे धीरे कोशिश हो रही है। डोंट वरी, मेरी कोशिश है अगर ईश्वर ने चाहा। फिल्म को लेकर ही हम कहना चाहेंगे कि नंगी फिल्में आती हैं, बिना मतलब के मार धाड़ रहते हैं, बेस सिर पैर की न्यूडिटी रहती है, उसको आप इग्नोर करो। देखोगे आप वही, सीखोगे आप वही, तो घर में क्या दोगे? और चाहोगे कि घर नंगापन का अखाड़ा बन जाए? नहीं ना। अच्छी फिल्म देखो, अच्छा एंटरटेनमेंट लो और अच्छी सबक दूसरों को दो, ताकि ये उनके लिए, आपके गांव के लिए, जिला के लिए, स्टेट के लिए, अल्टीमेटली हिंदुस्तान के लिए फ़ायदेमंद हो। वेलकम वेलकम, थैंक यू। सर आप बताइए कि फिल्म में ऐसा क्या देखा जो प्रोड्यूस किया? एक्चुअली मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, मैं इस पिक्चर का फाइनेंसर हूँ। और इस पिक्चर का जो सब्जेक्ट है वो बहुत शानदार था। मुझे ऐसा लगा कि जो काशी का जो कैरेक्टर है वो फिल्म लाइन के लिए बहुत ही स्पेशल है। आगे आने के बाद तो ऐसा लगता है जो मुख्य कलाकार हमारे रोशन जी हैं बहुत आगे जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे थे। इसके लिए मैंने गंगा के लाल में इंटरेस्ट लिया। और मेरे साथ ये मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मेरे पार्टनर हैं, मेरे एसोसिएट भी सब कुछ हैं, किरण जी, भोईर जी, हम दोनों साथ में मिलकर इस पिक्चर को फाइनेंस कर रहे हैं। बहुत अच्छी फिल्म है और गाने तो बहुत ही शानदार है। भविष्य बहुत अच्छा है इस फिल्म का। और नीलकमल प्रोडक्शन का जहाँ तक सवाल है, रंजीत झा जो है बहुत अच्छे सुलझे हुए इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। हो सकता है कि उनके साथ में मैं अगली पिक्चर बड़के भैया करूं, जिसके हीरो भी रोशन कुमार जी होंगे। डायरेक्टर और अदर्स जो टेक्नीशियन है उनका फाइनलाइजेशन बाकी है मुझे। और इस फिल्म से जोड़ने वाले एक मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं इस पिक्चर के, ईपी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आरपी त्रिपाठी जी। उन्होंने इस सब्जेक्ट को हमारे पास में लेके आए, हमसे कहा, हमें कन्वेंस किया। पहली मुलाकात में तो मुझे ऐसा लगा कि शायद इसमें पैसा ना डालें हम लोग, लेकिन फिर मुझे किरण जी ने समझाया, बोले भाई सब्जेक्ट अच्छा है, ऑलरेडी फाइनेंस प्रोड्यूसर इतना फाइनेंस लगा चुका है। फिर दिल खोल के हम लोग आ गए। और फिर रानी जी के काम की कितनी तारीफ करूँ, रानी चटर्जी की, बहुत शानदार एक्टर है संजय पांडे, रानी चटर्जी, माया यादव, इन सब लोगों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। और साथ में जो इस फिल्म के निर्देशक हैं अशोक कुमार चतुर्वेदी जी, बहुत टैलेंटेड पर्सन है। कुल मिला के ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये फिल्म धमाल मचाएगी। आपको क्या कहना? फिल्म तो बहुत अच्छी बनी है और ऐसे अभी एक आपने शॉट देखा होगा कि दिल को छूने वाला शॉट है, अभी आपको बोलने की ज़रूरत भी नहीं, आपने खुद ने देख लिया। भरोसा बहुत है, आगे देखते हैं भगवान के पास। फाइनली कब तक फिल्म रिलीज करने का इरादा है? नेक्स्ट मंथ। डेट फाइनल करें? डेट तो अभी थोड़ा एडिटिंग का कुछ काम बाकी है, लेकिन होप्स ऐसी हैं कि शायद एंड ऑफ द मंथ, नेक्स्ट मंथ मीन्स अक्टूबर, उसमें हम लोग पिक्चर कम्प्लीट करके रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी कुछ चीज़ें तो ऊपर वाले के हाथ में हैं, जहाँ हम लोग भी मजबूर हो जाते हैं। प्रमोशन की कोई स्ट्रेटजी, कोई प्रमोशन की? प्रमोशन के लिए हम लोग उसे कहते बिहार जाएंगे। और पॉसिबल है कि ऐसा रोशन जी से और डायरेक्टर जी से मैं बातचीत हुई है कि हम लोग मॉरिशस का भी प्रोग्राम बना रहे हैं कि अपनी पिक्चर का वहाँ पर जाके प्रमोशन करें। और डेफिनेट है कि ये प्रमोशन होना ही होना है, क्योंकि हमारे मॉरिशस में बहुत सारे जो बिहार के जो लोग हैं, यूपी के जो लोग हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर अच्छी फिल्में नहीं पहुँच पाती डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। हम लोग अपनी फिल्म को वहाँ तक लेके जाएंगे। धन्यवाद सर। सर आपके कंधों पे ज़्यादा इसकी दारोमदार है, अभी तक कैसी बनी है फिल्म और कितना सक्सेस? सर ये फिल्म तो सर मैं बड़ी मेहनत से, कहानी से लेके, शुरुआत से लेके मैंने स्टार्ट किया। अपने बच्चे की तरह से इस फिल्म के लिए मैंने मेहनत किया, जिसे बच्चे को पालते हैं उस तरह से मैं लेके आया, लोगों को जोड़ा, फाइनेंसर्स को जोड़ा, सबको जोड़ के बना रहा हूँ एक अच्छी सामाजिक फिल्म, जो कि भोजपुरी के उस तरफ अच्छा चले। क्योंकि मैंने देखा कि मैं खुद भोजपुरी वाला हूँ, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, तो मैंने देखा कि समाज को अपनी चीज़ अच्छी चीज़ दिया जाए, ऐसे मैंने लिया। रोशन को भी मैंने पिकअप किया
पिकअप करने के बाद मैं शुरुआत किया, उसमें बहुत लोगों ने मेरा सहयोग दिया। और तकलीफ़ें भी होती है फिल्म बनाने में, पता है आपको, परेशानियां भी दूर होती चली गई है, मगर मैं अभी ये फिल्म कंप्लीट हो गई है, बस दिवाली के आसपास मैं इस फिल्म को रिलीज़ करना चाहूँगा। ओवरऑल फिल्म बन के कैसी तैयारी? बहुत अच्छी फिल्म बनी है, इसमें एक्शन रोमांस सब कुछ है इसके अंदर, पब्लिक को पसंद आएगा कि कुछ नया चेंज हम दे रहे हैं फिल्म इसके अंदर। प्रमोशन की क्या तैयारी? प्रमोशन जब अभी शुरुआत करेंगे, 10-8 दिन के बाद प्रमोशन शुरुआत करेंगे, कि अब सब सीन्स हो गए हमारे, एक लास्ट सीन बाकी वो पूरा हो जाएगा, 2-3 दिन में फिर हम पिक्चर को स्टार्ट प्रमोशन शुरुआत करें। प्रमोशन हम सब जगह करेंगे, यूपी बिहार सब टीवी चैनल सब पे करेंगे। फाइनली, एज ए जिम्मेदार पर्सन आप ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? मैं ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा कि आप अच्छी पिक्चरों को प्रोत्साहन दो, अच्छे पिक्चर्स को देखो, अच्छे आर्टिस्ट को आगे बढ़ाओ, जिससे कि समाज में कुछ अच्छा मैसेज आवे, अच्छी पिक्चर बनाओ। मैं ये ऑडियंस से कहना चाहूँगा कि अच्छे पिक्चरों को आप उठाओ, जो अच्छा बनाता है समाज के लिए, जिस चीज़ से समाज में गंदगी आती है उस चीज़ को प्रोत्साहन मत दे यार, मैं ये बोलना चाहूँगा। रोशन भैया जी बोलो जी, बताइए कि बहन का किरदार जो आपके लिए आ रही बहन जी, जी अभी तक कितनी खरी उतरी है और कितनी सच्ची बहन है? बहुत बढ़िया हमारे बहन बड़ी, और अगर वो लोग फिल्म देखम तो लागी कि सही में जौन बहन होला गाँव में, हर बात पर खिसियाए के, आ लालची बहन बा हमार, हरदम पैसा मांगत रहता, लालच के मारे जीव, कुछ बोल दी आ पैसा दूगो दे दी। आ भाई ऐसा बा एकरा के एकर गुस्सा निमन लागल, जब खिसियाला तो 2 रुपया दे देवल तो ना देवल, एक अच्छा लागल ये हरदम खिसियात रहो, हमरा से पैसा लेते रहो ऐसा। भैया कितने प्यारे लगे और क्यों गुस्से में? बहुत अच्छे लगे और इनका बहुत ही अच्छा व्यवहार है, जो कि सबका होना चाहिए ऐसे भाई, हर किसी को मिले मैं तो। ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों में वैसे ही वो बहुत अच्छे हैं। किरदार की अगर बात करूँ तो किरदार में इनके आगे तो कोई नहीं है, सब फेल हैं। कितने सच्चे भैया नज़र आ रहे हैं आपको? बंधन रक्षाबंधन का भी गाना है, रक्षाबंधन में अच्छी मिली थी पैसे वैसे अच्छे? हाँ वो तो मैं ले ही लूँगी उसका टेंशन। रोशन भैया अगर मैं बात करूँ, बहुत पारिवारिक फिल्म बन गई जी जी जी, और बहुत बड़ा चैलेंज है बिहार यूपी के लिए जी, बिल्कुल अशोक जी ने अभी जैसे कहा जी जी, और उस किरदार को आपने बखूबी निभाया है जी जी, क्या लगता है कहाँ तक पहुँची फिल्म और कितना आप अट्रैक्ट कर पाओगे ऑडियंस? देखिए जितना मेहनत है फिल्म ला हमने करता नहीं, हर पहलू पर हर लाइन पर, जैसे म्यूजिक में भैल बा मेहनत, कि फिल्म में 3 म्यूजिक डायरेक्टर बा, शायद पहला बार भोजपुरी में ऐसा हुई कि 3 म्यूजिक डायरेक्टर एगो फिल्म के गाना बनैले बा, कि हर म्यूजिक डायरेक्टर के सोच अलग उखला, तो वो सोच के उप म्यूजिक के लिए बन, तो हमने के तो भाई कि दुनिया में 100% तो कुछ ना हो खला, ऐसे लोग कहला 100 में 100, तो अभिनय में अगर अभिनय के सिद्धांत देखम तो हमें 100 में 100 कुछ ना हो खला, 80 पर जाके रुक जला हर मामला अभिनय में, तो हमने कोशिश बा अभिनय में कोशिशें कर जला हमेशा कि 80 दे हम सब रिजल्ट। ओके, बिहार यूपी की बहनों से क्या कहना चाहोगी? भैयाओं को, भैयों को यही है कि बस इनके जैसा भाई हो तो हो, वरना ना हो, और इनसे बेस्ट कोई नहीं है, और ये फिल्म भी बहुत अच्छी है और इसका टाइटल भी बहुत। तुम्हारे किरदार की अगर बात करूँ, कितना पावरफुल किरदार है हो, इनसे तो कंपेयर ही है बस, जैसा भी है हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आज गंगा किनारे काशी विश्वनाथ का गाना शूट करना है बहन भाई के बीच में, क्या कहना चाहेंगे? कितना डिफरेंस होगा ये गाना और कितने स्टेप आपके नए दिखेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी आप लोगों को कानू मुखर्जी का नमस्कार प्रणाम कहना चाहूँगा, और दूसरी बात है तो रोज़ तो हम लोग डांसिंग डुएट आइटम शादी का गाना करते हैं, आज बहुत सालों के बाद भाई बहन के गाना करने का मौका मिला है, और ये मेरा फर्स्ट होगा बहुत सालों के बाद, मतलब 10-15 साल, और उसके पहले अभी एक हमारी एक फिल्म जो बहुत अच्छी चल रही निरोवा हिंदुस्तानी, उसमें भी भाई बहन नहीं था, फैमिली सॉन्ग था, लेकिन उसके बाद इस फिल्म में एक भाई बहन का है, और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जस्ट अभी मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ और मुझे फूड पॉइजन हुआ है, लेकिन भाई बहन के गाने को मैं मिस नहीं करना चाहता था, इसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और इस फिल्म में हमारे डायरेक्टर अशोक जी हैं, बहुत अच्छे हैं, प्रोड्यूसर बहुत प्यारे हैं, हमारे आर्टिस्ट रोशन जी हैं, विनय आनंद है, रानी जी हैं फेवरेट मेरे, एंड बहन का रोल है अक्षरा जी हैं,
बहन का रोल में, नाम क्या है, रुखसार बहन के रोल में हैं। इसके म्यूज़िक बहुत अच्छे हैं, इसके फुल स्टाफ बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। इसके लिए मैं हॉस्पिटल से मैं डायरेक्ट यहीं पर आया हूँ, क्योंकि किसी तरह ये गाना करना है मुझे, क्योंकि भाई बहन का गाना बड़ा मुश्किल से मिलता है। कुछ नए स्टेप देखने मिलेंगे गुरु जी की तरफ से? बट भाई बहन का क्या स्टेप, इमोशनल होता भाई बहन का तो स्टेप नहीं होता। इतना इमोशन डालेंगे गुरु जी अपनी तरफ से? डेफिनेटली, क्योंकि भाई बहन तो उनका जो पाक रिलेशनशिप है वो तो किसी का नहीं है। माँ बेटे का डिफरेंट होता है, लेकिन भाई बहन, बहन अपने ससुराल चली जाती है लेकिन उसका रिश्ता अपने भाई के साथ कभी नहीं छूटता है। गुरु जी आपने बहुत ज़्यादा फिल्में की हैं, हाँ, अंदाज की फिल्म की है, ये यूपी और बिहार के लिए बहुत बड़ा मैसेज होगा कि बहुत ही साफ सुथरी फिल्म, हाँ, और पाक रिलेशन दिखाया जा रहा है, हाँ। आपको कितनी दिली खुशी? मैंने कहा ना इसके पहले भी कि मेरी फिल्म सुपरहिट जा रही है निरोवा हिंदुस्तानी, एंड वो भी हिट जा रही है, उसमें पाक प्यार मोहब्बत जिंदाबाद, और ये मेरा थर्ड फिल्म होगा जो एकदम साफ सुथरा है, और इसका नाम से ही तो आपने पता ही चला है। ऑडियंस को तो मैं यही कहूँगा, अच्छा किया आप लोगों ने, जो गलत तो नहीं बोलूँगा, जो फिल्म में ठुकराए हैं, बहुत अच्छी फिल्म बनती थी, लेकिन अच्छा है फैमिली फिल्म में बनना चाहिए, अच्छा है आप लोग डिमांड करिए फैमिली फिल्म में देखना, ताकि हम लोग फैमिली फिल्म कोई बनाएं जिसमें सब कुछ रहता है, गाने भी रहते हैं, डांस भी रहते हैं, ये अच्छी बात। हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर के लिए मैं ये बोलूँगा जी, अब बहुत हो चुका है, आप थोड़ा सा फैमिली ड्रामा भी करिए। थैंक यू सो मच।